प्रदेश के रीवा के पास बस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे हुआ। 40 लोग घायल हुए हैं। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी पासिंग बस हैदराबाद से गोरखपुर की तरफ जा रही थी। हादसे के वक्त कई मुसाफिर नींद में थे, जो हमेशा के लिए नींद में चले गए। चूंकि बस पीछे से ट्रॉली से टकराई थी, तो कैबिन में बैठे लोग पूरी तरह इसमें जख्मी हो गए, फंस गए। उनको निकालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को यूपी पासिंग बस हैदराबाद से गोरखपुर की ओर जा रही थी, तभी रात करीब 11:30 बजे बस ट्रॉली से टकरा गई। प्राथमिक उपचार में सामने आया है कि आगे चल रहे ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे चल रही सीधे ट्रॉली में जा घुसी। बस में सभी श्रमिक सवार थे, जो कि दीपावली मनाने अपने घर जा रहे थे। रीवा दुर्घटना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा मृतकों के परिजनों को 1,00,000 रुपए की सहायता राशि के साथ ही रूप में दी जाएगी, और साथ ही घायलों को 10,000 रुपए भी राशि में दिए जाएंगे। मैं त्योथर के पास सुहागी ढलान पर बहुत दुखद दुर्घटना हुई। लगभग रात के 11 बजे एक्सीडेंट हुआ, और जैसे ही घटना का पता चला, मध्य प्रदेश का जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी सहित पूरा अमला राहत और बचाव के काम में लग गया। हमारे प्रशासन ने लोगों को वहां से निकाला, जो घायल थे उनको अस्पताल में पहुंचाया।